नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का पप्पी या फिर डॉग वो घर में ही टॉयलेट कर देता है, घर में ही पॉटी कर देता है, तो ये बहुत ही बुरा चीज है। और आपको अपने पप्पी को बहुत ही जल्दी सिखलाना है कि घर के अंदर नहीं, घर के बाहर पॉटी करना है या फिर वॉशरूम में पॉटी करना है। दोस्तों, ये सिखलाना बहुत ही ईजी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग है। मैं बोलता हूं कि ये ट्रेनिंग नहीं है, बस आपको उसको सिखलाना है कि घर के अंदर पॉटी नहीं करना है, घर के बाहर पॉटी करना है। मैंने बहुत बार ये सुना है कि डॉग ऑनर अपने डॉग को पीटते हैं इस पॉटी और इस टॉयलेट के कारण, क्योंकि उसका डॉग, उसका पप्पी कहीं घर में ऐसे जगह पे टॉयलेट कर देता है जहां पे नहीं करना चाहिए, और उसका ऑनर गुस्सा हो जाता है और अपने डॉग को पीटता है। मैं सच बतलाऊं तो उस डॉग को पता भी नहीं होता है कि मुझे मार क्यों लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई पीटे और आपको पता ही ना हो कि आपको क्यों पीटा जा रहा है, तो अगर आपको कोई पीट रहा है ना, तो उसको पाप लगेगा। वही चीज डॉग के साथ होता है, उसको पता ही नहीं है और आप उसको पीट रहे हो, तो आपको पाप लगेगा। बस सिंपली आप समझिए कि आपको क्या करना है डॉग के साथ। वो आपके बिहेवियर को, वो आपके इमोशन को समझता है, ना कि आपके वॉइस को समझता है। ठीक है, वॉइस को भी समझेगा, लेकिन आपको उसको बतलाना है कि इसका मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो में वही हम समझेंगे, और एक स्प्रे के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अपने डॉग को किस तरीके से पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हो। दोस्तों, आपको मेरे टॉमी के बारे में पता होगा, मैंने उसे 7 मंथ के आसपास का लाया था। तो जब मैं उसे घर में लाया था, वो पॉटी ट्रेन ही था, वो टॉयलेट में जाकर के ही पॉटी करता था, वहीं पे जाके टॉयलेट करता था, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब मैं उसे गांव ले आया, तो जहां पे मैं उसे बांधता था, वहीं पे वो टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरे दिन के बाद, वो तीसरे दिन से मैंने उसे गाछी में ले जाना स्टार्ट किया, जंगल जिसे कहते हैं, तो वहां पे वो करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों, अगर आपने इसे टॉयलेट और पॉटी को सीरियसली नहीं लिया, तो बाद में चल करके बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। दोस्तों, मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया, उसके पास एक रॉटवाइलर है जो कि 2 साल का है। तो उसके घर में जैसे ही मैंने एंटर किया, तो उसके पॉटी पे ही मेरा लात पड़ गया। आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है मेरे साथ। तो जब मैंने उसके ऑनर से बात किया, तो वो बताए, एक तो वो लेट उठे थे, मैं 9 बजे उनके घर में गया था, फिर भी वो सोए हुए थे। तो इस तरीके से 9 बजे तक सोए हुए थे, और डॉग घर में ही पॉटी शुरू से ही करता था। तो मैंने उनको बताया कि कैसे ट्रेन करना है, तो उनका डॉग सीख गया कि घर के बाहर कब पॉटी करना है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया उनमें, 12 से 14 दिन लग गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पॉटी स्प्रे से, तो उस स्प्रे के माध्यम से आप 2 से 3 दिन में ही आप उसे सिखला सकते हो। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने टॉमी से मिलवाता हूँ। टॉमी आ जाओ यहाँ पे, वीडियो स्टार्ट करना है, आ जाओ। गुड बॉय, इस साइड घूम जाना है। हाँ, बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। तो दोस्तों, ये रहा अपना टॉमी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉटी स्प्रे से अपने डॉग को कैसे सिखला सकते हो कि घर के बाहर पॉटी करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो स्प्रे होता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिना स्प्रे का कैसे आपको सिखलाना है अपने डॉग को कि घर के बाहर पॉटी कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को हो सकता है कि वो अमेजन से परचेज ना करे, और उसके घर के आसपास कोई दुकान ना हो, तो उनको स्प्रे नहीं मिल सकता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिना स्प्रे का कैसे ट्रेनिंग देना है। ये थोड़ा सा लेट ट्रेनिंग हो सकता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रे से कैसे ट्रेनिंग देना है। दोस्तों, आपका वो पप्पी हो या फिर डॉग हो, उसमें एक पैटर्न होता है पॉटी करने का, टॉयलेट करने का। ज्यादातर जो डॉग होते हैं, वो खाना खाने के 10 मिनट के बाद पॉटी करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि खाना देखा तो उसे पॉटी लग गया पप्पी को, तो उस समय वो पॉटी करते हैं। कुछ ऐसे डॉग होते हैं जिसका मन कभी भी कर जाता है, तो वो कभी भी पॉटी कर देते हैं, लेकिन वो भी एक पैटर्न होता है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा होता है। जैसे कि वो दोपहर के टाइम में पॉटी करेगा, तो आपको सबसे पहले ये शेड्यूल कैच करना है कि आपका डॉग, आपका पप्पी पॉटी कब करता है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, या फिर दोपहर में। इस चीज को जब आप गेस कर लोगे, तो उसके बाद अपने डॉग को उसी टाइम से पहले आप उसे बाहर लेकर के जाओगे जहां पे आपको पॉटी करवाना है, या तो वॉशरूम में या तो घर के बाहर। और जब घर के बाहर ले जाओगे, तो फर्स्ट दिन हो सकता है कि वो पॉटी ना करे, घर के बाहर से वो अंदर चला जाए, ठीक है, और घर में आने के बाद वो पॉटी करे, क्योंकि उसे फील अच्छा होगा। तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन कंटिन्यू रहोगे, तो उसी टाइम पे क्या करेगा कि वो बाहर पॉटी कर देगा। जब वो बाहर के एरिया से कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो बाहर में पॉटी करेगा। और जैसे ही पॉटी वो करे, आपको बहुत ही ज्यादा उसको प्यार करना है। स्टार्टिंग में उसे लगेगा कि मुझे प्यार क्यों मिला है, उसे पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
लेकिन जब आप उसे दूसरे दिन तीसरे दिन प्यार करोगे और कुछ अच्छा खाने के लिए उसे दोगे उसी टाइम में, जैसे कि अंडा दे सकते हो, पेडिग्री दे सकते हो, जो उसे अच्छा लगे वो आप उसे दे सकते हो, ठीक है, खाने के लिए एज ए ट्रीट, तो क्या करेगा कि वो समझ जाएगा कि मुझे पॉटी करने के कारण ही इतना प्यार मिल रहा है, तो वो वहां पे वो पॉटी करने लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में डॉग को पीटते हैं और उन्हें लगता है कि पीटने से मेरा डॉग समझ जाएगा कि यहाँ पे पॉटी नहीं करना है। वो आदमी थोड़ा है जो पीटने से वो समझ जाएगा, वो डॉग है, बस वो आपके इमोशन से ही समझ जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना कि क्या डॉग को पीटना सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डॉग को पीटते हैं कि उसका डॉग बहुत ही जल्दी सीख जाए पॉटी ट्रेनिंग। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरीके से आप बिना स्प्रे के अपने डॉग को ट्रेनिंग दे सकते हो। अब हम बात करते हैं उस स्प्रे से कैसे ट्रेनिंग दे सकते हो। ये हो सकता है कि एक मैजिक की तरह आपके डॉग पे काम करे, एक दिन में भी सीख ले या फिर दो से तीन दिन में भी आपका डॉग सीख ले। दोस्तों आप गौर करना, चाहे वो देसी डॉग हो चाहे वो किसी भी ब्रीड का डॉग हो, जब भी वो टॉयलेट करने के लिए जाता है, जब भी वो पॉटी करने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है कि वो सूंघता है कोई भी चीज, ठीक है। सूंघने के बाद वो क्या करेगा कि वहां पे टॉयलेट करेगा या फिर वहां पे वो पॉटी करेगा। तो वही टेक्नोलॉजी इस स्प्रे में यूज रहता है। तो इस स्प्रे को आपको क्या करना है, पहले तो आपने गेस कर लिया कि आपका डॉग कब पॉटी या फिर टॉयलेट करता है, तो उससे पहले आप उस जगह पे उसको छीट दोगे, जिस लाइक आप वॉशरूम में भी छीट सकते हो या फिर घर के बाहर आपको जहां करवाना है पेड़ के पास या फिर जहां पे करवाना है वहां पे कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का डॉग छोटा पप्पी होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में उसको घर में ही पॉटी करवाइए। एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए या फिर एक मजबूत सा कार्ड ले लीजिए और उस पे एक पेपर का टुकड़ा रख दीजिए और उस पे स्प्रे छीट दीजिए, ठीक है। फिर आपका डॉग को वहां पे अपने छोटे पप्पी को या फिर अपने डॉग को वहां पे क्रॉस करवाइए घूमने के लिए, जब उसको टॉयलेट लगे या फिर पॉटी लगे तो। और जैसे ही आपका पप्पी या फिर आपका डॉग वो स्मेल वहां पे करेगा तो उसको फीलिंग सेम टू सेम नेचुरल वाला होगा और वहां पे वो पॉटी करेगा। और दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आपका डॉग हो या फिर पप्पी हो, आप उसे बांध करके रखते हो या फिर बेड पे रखते हो, तो जब भी उसे टॉयलेट लगता है या फिर पॉटी लगता है तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज खरोचने लगता है या फिर बांधा हुआ है तो वो चिल्लाने लगता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि आपके डॉग को टॉयलेट लगा हुआ है, पॉटी लगा हुआ है, और आप उसको तुरंत ही अपने घर के बाहर ले जाइए। उस समय आप उसको डिस्ट्रक्ट कर दीजिए आवाज चिल्ला करके कि रुक जाओ रुक जाओ, या फिर नो करके, या फिर जैसे ही आपका डॉग समझता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, वो वॉइस आप अपने मुंह से निकालिए और उसको रोकिए वहां पे, और जैसे ही रुक जाए फौरन आप उसको बाहर ले जाइए, वहां पे पॉटी करवाइए। तो इस तरीके से आपका डॉग बहुत ही जल्दी पॉटी सीख सकता है। और दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आप इसे सही नहीं करोगे तो बाद में चल करके ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था वैसे ही आपके गेस्ट के साथ भी ये हो सकता है। तो दोस्तों ये जो स्प्रे है इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से अमेजन से परचेज कर सकते हो। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी जानकारी ऐप में पहले से अवेलेबल है जिसका नाम है डॉग एंड ऑनर, तो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा डॉग एंड ऑनर, उसको इंस्टॉल कीजिए। उसमें भी ये प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है कि डॉग के लिए सबसे बेस्ट शैम्पू क्या है, एंटी टिक क्या है सबसे बेस्ट, उसका बॉडी खुजलाता है तो सबसे बेस्ट पाउडर क्या है, बॉडी क्यों खुजलाता है, अंडा देना है, आम देना है, पपाया देना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, सब कुछ इस ऐप में पहले से है। और साथ ही साथ 100 से ज्यादा ब्रीड के बारे में इसमें बहुत ही अच्छे से बतलाया हुआ है। तो दोस्तों ये ऐप बहुत ही बढ़िया है डॉग लवर्स के लिए और डॉग ऑनर के लिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। और दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का हमारा एम है 1500 लाइक का। दोस्तों मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।